हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रॉयल सेवरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ हरा मसाला ऑथेंटिक फिश फ्राई विदाउट अ ड्रॉप ऑफ ऑयल। ग्रिल पैन में, अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है तो आप नॉर्मल तवे या फिर कढ़ाई में भी बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे फिश ली है, इसे मैंने अच्छे से वॉश करके ड्राई करके रख लिया है। यहाँ पर ग्राइंडिंग जार में मैं मुट्ठी भर हरा धनिया ऐड करूँगी, ताज़ा हरा धनिया, 2 से 3 हरी मिर्च, तीखा देख के आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, 1 टीस्पून जीरा, हल्दी 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून रोस्टेड ग्राम फ्लावर या फिर रोस्टेड ग्राम भी आप ऐड कर सकते हैं, नमक अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा। अगर आपके पास रोस्टेड ग्राम फ्लावर है तो आप यूज़ करिएगा, अगर नहीं है तो आप नॉर्मल रोस्टेड ग्राम्स भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट, 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर, 1 लेमन जूस। तो अच्छे से हम इसे, अगर आपको रिक्वायरमेंट पड़े तो आप 1 से 2 चम्मच पानी ऐड करके इसे अच्छे से इसका इस तरीके के पेस्ट तैयार कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे फिश लेंगे जिसे मैंने अच्छे से वॉश करके ड्राई करके रखा हुआ है। अब हम इस वाले पेस्ट को, जो हमने ग्रीन पेस्ट तैयार किया है, फिश के ऊपर अच्छे से डाल लेंगे और इसे अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे हाथों की हेल्प से। अच्छे से फिश के ऊपर मसाले को कोट कर लेंगे, देखिए इस तरह से। अगर आपको चाहिए तो आप इसमें पेपर कॉर्न्स यानी कि काली मिर्च पाउडर या फिर काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, बट ट्रेडिशनली हरियाली फिश फ्राई इसी तरीके से बनाई जाती है, तो इसीलिए मैं इसमें ऐड नहीं करूंगी। तो मैंने इसे अच्छे से कोट कर लिया है। अब मैं इसे 1 आवर मैरिनेट करके ऐसे ही रख दूंगी, अगर आपके पास टाइम है तो आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं। तो 1 आवर हो चुका है। यहाँ पे मैंने अच्छे से ग्रिल पैन को हीट कर लिया है और मैं यहाँ पे फिश को अच्छे से इस पर अरेंज कर लूंगी। अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है तो जैसे मैंने पहले भी कहा है, आप नॉर्मल पैन में भी इसे बना सकते हैं या फिर कढ़ाई में बन सकती है, बट आपको उसमें थोड़ा सा ऑयल ड्रिजल करना पड़ेगा वरना चिपक सकती है आपकी मछली। देखिए ये दोनों साइड से अच्छे से ग्रिल हो चुकी है हमारी हरियाली फिश फ्राई विदाउट अ ड्रॉप ऑफ ऑयल। देखिए इसे अच्छे से फ्राई करने के, यानी कि ग्रिल करने के बाद इस पर कितना अच्छा सा शाइन भी आया है, क्योंकि फिश में अपने आप ही, जो भी आप मीट ले लो, वाइट मीट ले लो, रेड मीट ले लो, अपने आप ही इसमें फैट कंटेंट्स होता है, तो अपने आप ही वो ऑयल रिलीज कर देती है। तो मैं यहाँ पे इसी पैन में इसे सर्व करूँगी। तो मैंने यहाँ पे स्लाइस किए हुए ऑनियंस और थोड़े से कैरेट के जूलियंस भी रख लिए हैं, साथ ही साथ मैं यहाँ पे नींबू और हल्का सा धनिया पत्ता यहाँ पे रख लूँगी। और ये हो गया हमारा हरियाली फिश ग्रिल तैयार। तो देखिए कितना इजीली हमारी हरियाली फिश फ्राई बन के तैयार हो चुकी है। अगर आपको चाहिए तो आप इसमें स्मोकी फ्लेवर भी दे सकते हैं चारकोल के साथ, तो दैट विल मेक योर डिश इवन मोर बेटर, इसका टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। सादा दाल चावल हो और उसके साथ ये हरियाली फिश फ्राई, तो अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग आपका दिन बन जाएगा, आपको मज़ा आ जाएगा उसे खा के। अगर आपने इसे ट्राई नहीं किया है अब तक तो ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।